प्रेरित पौलुस की कुलुसियों के नाम पत्री अध्याय 3:16 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुने। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, जिन लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकारा था, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जो लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते थे, ऐसे लोगों को प्रेरित पौलुस लिख रहा है, बता रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, रहने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सिद्ध ज्ञान के सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिद्ध ज्ञान यानी पूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान, आधा ज्ञान नहीं, सिद्ध ज्ञान के सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। परमेश्वर के ज्ञान को एक दूसरे को दीजिए, परमेश्वर के ज्ञान से एक दूसरे को सूचना दीजिए, सिखाओ, ताकि हर आदमी यीशु मसीह में सही चले, गलत रास्ते से न जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अपने दिल में अनुग्रह के साथ, हालेलुया, अपने दिल में अनुग्रह के साथ भजन गाओ, स्तुतिगान गाओ और परमेश्वर के गीत को गाओ। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह का स्वीकार करने के बाद इन चीज़ों को करना जरूरी है। कौन सी चीज़ें? हमारे अंदर, हमारे दिल में, हमारे हृदय में मसीह के वचन को अधिकाई से बसने देना चाहिए, रखना चाहिए, भरना चाहिए। Our hearts must be filled with the words of Jesus Christ. Hallelujah. हमारे दिल के अंदर यीशु मसीह के शब्दों को भरना है, रखना है, बसने देना है और एक दूसरों को भी हमेशा सिखाना है। क्या सिखाना है? मसीह के वचन को, परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि कोई भाई या बहन गलत रास्ते से न जाए, कोई भाई या बहन परमेश्वर के खिलाफ न जाए, कोई भाई या बहन परमेश्वर के आज्ञाओं के खिलाफ न जाए, कोई भाई या बहन परमेश्वर को नाराज न करे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया तो हमने सत्य की बाजू ली है, हम सत्य की ओर से चलना चाहिए। जो यीशु मसीह का स्वीकार करता है वो सत्य का स्वीकार करता है, प्रकाश का स्वीकार करता है, जीवित परमेश्वर का स्वीकार करता है। हमारा रास्ता भी अलग हो चुका है, हम जानते हैं कि हम सत्य से चलने चाहिए, असत्य से नहीं, प्रकाश के रास्ते से चलने चाहिए, अंधार के रास्ते से नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे दिल के अंदर प्रभु के वचन को भरना है। हालेलुया, अधिकाई से भरना है। कौन से वचन है? हम जानते हैं प्रभु ने क्या बताया है। सबसे पहला और भारी वचन है, एक दूसरे से प्यार करो, तुम तुम्हारे पड़ोसी से प्यार करो। दिन में कितनी बार बोलना चाहिए, मैं सबसे प्यार करना चाहिए। फिर प्रभु ने कहा सबको क्षमा करो, प्रभु कहता है क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्रभु कहते हैं पाप को कबूल करो, पाप को कबूल करना है। हमारी गलती होती है, हमें पाप कबूल करना है, प्रभु ये पाप मैंने किया है, मैं कबूल करता हूँ ये पाप मैंने किया है। फिर दया करो, कोई आदमी आपको कुछ तकलीफ देता है आप उससे दया करनी चाहिए। फिर हमेशा प्रार्थना करो,
फिर प्रभु कहते हैं बदला मत लीजिए, बदला नहीं लेना। कोई हमें तकलीफ देता है हम उसका बदला नहीं लेंगे, डोंट टेक द रिवेंज। फिर प्रभु कहते हैं दान करो, क्या हम दान करते हैं? दान करो। प्रभु जो कुछ कहता है उसको हमको दोहराना है, उसको हमें हमारे दिल में भरना है। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है चोरी नहीं करना, प्रभु कहता है रिश्वत नहीं लेना, प्रभु कहता है रिश्वत नहीं देना, प्रभु कहता है औरत को मारपीट नहीं करना, प्रभु कहता है भाई की प्रॉपर्टी नहीं लेना। प्रभु जो कुछ कहता है उस प्रभु के वचनों को हमारे दिल के अंदर हमें भरना है, भर देना है। मसीह के वचनों को तुम्हारे दिल में भर दीजिए, बसने दीजिए। जब आप मसीह के वचन को अंदर डालेंगे दुनिया के शब्द बाहर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा दिल फिलहाल फिलहाल हमारे दिल जो है वो दुनिया के शब्दों से भरा है। हम कहते हैं उसको नहीं छोड़ना, उसका बदला लेना, उसको क्षमा नहीं करना, ये सब दुनिया के शब्द है, ये शैतान की सिखावट है, वो हमारे दिल में भर चुकी है। जब हम कहेंगे प्रभु कहता है क्षमा करो, प्रभु कहता है क्षमा करो, तो दुनिया के शब्द बाहर जाएंगे, भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के वचनों को हमारे दिल के अंदर भरना है। मसीह के वचन मैंने बताए कौन से वचन है, क्षमा करो बदला मत लीजिए, पाप को कबूल करो, पाप के लिए पश्चाताप करो, पापों की क्षमा मांगो, दान करो, दया करो, शांति से रहो, प्यार करो यानी मोहब्बत करो, नफरत मत करो, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु बताता है जो तुम्हारा छल करता है उनके लिए प्रार्थना करो, यीशु का वचन है। इन सब वचनों को हमें अंदर डालना है, अंदर डालना है। जब ये अंदर जाएंगे तब क्या हो जाएगा, अंदर जो भरा है ना वो बाहर भाग जाएगा। अंदर क्या भरा है, अंदर ऐसा भरा है इसको नहीं छोड़ना, बदला लेना, खून करना, चोरी करना, दान नहीं देना, दूसरों को देना नहीं, दूसरों को लेना है, दूसरों से लेना है। दुनिया सिखाती है ना, दूसरों को देना नहीं, दूसरों से लेना है। किसी को क्षमा नहीं करनी, मारपीट करनी है, दया नहीं दिखानी है। ये सब हमने पठन किए हैं, शब्द अंदर डाले हैं, इससे दिल भरा हो चुका है। लेकिन प्रभु के वचन को अंदर डालेंगे ये वचन बाहर भाग जाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है औरत लोग अपने पति के आज्ञाओं का पालन करेंगे, औरतों पति के आज्ञाओं का पालन करो, और पतियों तुम औरतों से प्यार करो। बराबर। तो जब पति औरत को मारने को जाता है, अंदर से आवाज आता है प्रभु कहता है औरत से प्यार करो, प्रभु कहता है औरत से प्यार करो, प्रभु कहता है औरत से प्यार करो, तो ऐसा हाथ जाता है नीचे आता है। एक औरत थकी हुई है घर में, थकी हुई है, काम करके थक गई है, पति कहता है अरे मेरे लिए चाय बनाओ, तो उसे गुस्सा आता है, इतनी थकी है उसको दिखता नहीं है, वो बोलता है चाय बनाओ, तो ऐसी देखती है, बोलने को आता है उतने से अंदर से आवाज आता है पतियों के आज्ञाओं का पालन करो, पति की आज्ञा का पालन करो, पति की आज्ञा का पालन करो, तो ऐसी देखती है फिर जाके चाय बनाती है। फिर जाके चाय बनाती है, उसको गुस्सा आता है, मैं इतना काम किया है, मैं इतनी थकी हुई है, मेरे पति को दिखता नहीं है, अभी बोलता है चाय बनाओ, तो ऐसे गुस्से से देखती है, बोलने को आता है उतने में अंदर से आवाज आता है, प्रभु कहता है पति की आज्ञा का पालन करो, प्रभु कहता है प्रभु की पति की आज्ञा का पालन करो, तो ऐसे देखती है फिर ऐसे करते और जाके चाय बनाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों क्या काम करता है प्रभु का वचन, जो अंदर बैठता है अंदर से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझो एक टेबल है, टेबल के ऊपर घड़ी है, बहुत भारी घड़ी है,
कहाँ, वहाँ कोई नहीं है, किसकी घड़ी है मालूम नहीं है। आप जाते देखते, अरे बहुत अच्छी घड़ी है, कोई दिखता नहीं यहाँ, किसकी मालूम नहीं। अरे जेब में डाल सकता है कौन बोलेगा, उठा के जेब में डाल सकता है कौन बोलेगा, यहाँ कोई दिखता नहीं है। लेकिन जब ऐसा करने जाते हैं, उठाने जाते हैं, अंदर से आवाज आता है, प्रभु कहता है चोरी मत करो। वैसे ही रखे चला। अरे भैया अभी कोई मुझे मत कहे ब्रदर मेरे पास प्रभु की वचन बहुत है, मतलब कहाँ है, बाइबल में है, मेरे पास 10 बाइबल है। ये 10 बाइबल आपके कपाट में रखे हुए हैं, क्या फायदा। बाइबल पढ़कर ये वो यहाँ डालना चाहिए तब फायदा होगा। बाइबल घर पे रखेंगे क्या फायदा है, वचन है कहाँ है, बाइबल में है। बाइबल कितने हैं, 10 बाइबल है मेरे पास, क्या फायदा। अंदर डालना मांगता है तो अंदर से वो काम करता है, अंदर डालेंगे तो बोलेगा चोरी मत करो। आपके घर में बाइबल हो कैसे बोलेगा। हालेलुया हालेलुया। मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो, अंदर डालो, बहुत डालो तो क्या हो जाएगा, अंदर से पावर आएगी, अंदर से सामर्थ बाहर आएगा। समझ लीजिए कि अभी दान थैली घुमा रहे हैं, दान थैली घुमाते वक्त जब दान थैली आएगी आप जेब में हाथ डालेंगे पैसा निकालने के लिए, बराबर, तब अंदर से आवाज आएगा, दिया करो तो तुमको दिया जाएगा। तुमने 10 रुपये की नोट ले, ये रखो, 100 रुपये की नोट रखो, रखो 500 रुपये की नोट हाँ डालो। हालेलुया हालेलुया। लेकिन अंदर से आवाज आएगा तो ना, अंदर से क्या आवाज आएगा, दिया करो तो तुमको दिया जाएगा। यदि ये वचन तुम्हारे अंदर नहीं है तो आवाज कैसे आएगा, तो तुम 8 आना ढूंढोगे, 8 आना। 8 आना कहाँ है, 1 रुपया कहाँ है, कितने लोग ढूंढे हैं, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना क्यों ढूंढे हैं, क्योंकि उनके हेड ऑफिस में प्रभु का वचन नहीं है। ये हेड ऑफिस में प्रभु का वचन नहीं है। मनुष्य के शरीर में सबसे अच्छा भाग दिल है, भेजा भी हमें सही रास्ते से नहीं लेता है। हाथ पैर महत्वपूर्ण नहीं है, दिल सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अंदर प्रभु के वचन रहने चाहिए। हालेलुया। प्रभु के वचन दिल के अंदर रहने चाहिए। हालेलुया। और एक दूसरों को सिखाओ और चिताओ। हालेलुया हालेलुया। आपका भाई का काम करने के लिए जा रहा है, वो बोलता है मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी, बिना रिश्वत काम नहीं हो जाएगा, उसको बोलना रिश्वत नहीं देना। अरे वो बोलता है रिश्वत नहीं देगा तो मेरा काम नहीं हो जाएगा, तुम रिश्वत नहीं देना, काम प्रभु करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी तुमने तुम्हारे भाई को बताया रिश्वत नहीं देना, इसको बोलते हैं दूसरों को सिखाना। इससे तुम प्रभु का वचन उसको दे रहे हो, प्रभु का वचन है रिश्वत नहीं देना। तुमने भाई को बताया रिश्वत नहीं देना, इसको बोलता है प्रभु का वचन दूसरे को सिखाना, ये भी चालू रखना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम पूरे ज्ञान से एक दूसरे को सिखाना चाहिए, एक दूसरे को चिताना चाहिए, पूरे ज्ञान से। तो कहना है क्षमा करना जरूरी है, पाप को कबूल करना जरूरी है, रिश्वत देना नहीं, रिश्वत लेना नहीं, दान देना जरूरी है। ये प्रभु के वचन में तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, चिता रहा हूं। तो वचन को अपने दिल में भर के रखना, वचन को दूसरों को सिखाना, चिताना, और तीसरी बात करनी है कौन सी, हमेशा प्रभु को भजन गाना। हालेलुया हालेलुया। स्तुति गान गाना। हालेलुया हालेलुया। और धार्मिक गीत जो है प्रभु के गीत जो गाते रहना। समझ लीजिए आप बस में बैठे हैं, BST बस हो या हमारे ST बस हो, बैठे हैं कॉर्नर में बैठे, बाजू में देखते हैं अच्छा अच्छा है, तो अचानक आपके मुंह से गाना आता है, बराबर, कौन सा गाना आएगा,
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। बराबर, ऐसा गाना मुंह से आना मांगता है, फिर थोड़ी देर के बाद एक गाना खत्म होने के बाद दूसरा गाना आना मांगता है। सुंदर सुहानी जिंदगी, बराबर, ऐसा एक के बाद एक के बाद एक के बाद नया नया प्रभु का गाना बोलते जाओ, बराबर, तो क्या हो जाएगा, आपके दिल को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। अभी आप नए नए प्रभु में आए हैं तो ऐसे गाने मुंह से नहीं आते हैं, तो कौन सा, मेरा जीवन कोरा कागज, अरे ये कहां से आ गया, ये कहां से आया मालूम है, ये पहले भरा था ना, वो अभी तक बाहर नहीं गया है ना, इसका रिकॉर्डिंग पहले हुआ है तो अभी तक बाहर गया नहीं ना। तो आप कौन सा गाना बोलते हैं जब बस में बैठते हैं, मुंह से कौन सा गाना आता है, अपने प्रभु का गाना आता है या दुनिया के गाना आता है? नफरत की दुनिया को छोड़ के, हमारे हनी भाई हंस रहे, ओ मुझे लगता है वो गिन रहे ब्रदर को कितने गाने आते हैं, एक हो गया दूसरा हो गया, बराबर, मुंह से कौन सा गाना आता है। जब मैं यीशु के पास आया, पहले पहले साल में मेरे मुंह से दुनिया के गाने आते थे, मतलब ये क्या हो रहा है, अब चुप, अपने आप को चुप करना है, ये दुनिया में सबसे भारी काम अपने आप को चुप करना, हल्का काम औरत को चुप करना, ये बहुत हल्का काम है, ए बोलना नहीं वो बेचारी चुप रहेगी, हाँ औरत को चुप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसने शादी के वक्त तुम्हें प्रॉमिस किया है मैं चुप रहूंगी, जब तुम चुप बोलोगे चुप रहोगी, वो चुप रहती है, अपने आप को चुप करना कठिन बात है, अपने आप को जो चुप कर सकता है वो पूरे दुनिया को चुप कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु के वचन को अंदर भर देना है, पूरा भर देना है, जितना हो सके उतना बाइबल पढ़ो, बाइबल में नया करार ज्यादा पढ़ो, जितना हो सके इतना पढ़ो, फिर सीडी पे वचन प्रवचन सुनो वो भी अंदर जाएगा, ये सब पढ़ते जाओ और दिल में वचनों को भरो, जितना ज्यादा भरोगे उतना आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु को भजन गाओ, स्तुतिगान गाओ और गीत गाओ हमेशा, चलते चलते हम जाते हैं ना, कभी रास्ते से चलते हैं, बस में बैठते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, हमारे मुंह से गाना आना मांगता है। हालेलुया, मैं हमेशा गाना बोलता हूँ, पड़ोस वाला हंसो न हंसो, कोई लोग मुझे मैं गाना बोलता तो हंसते हैं, हालेलुया, उनको हंसने दीजिए, मुझे मालूम है मेरा आवाज अच्छा है, हालेलुया, किसको मालूम नहीं तो मैं क्या करूं, हालेलुया, हालेलुया, छोड़ना नहीं, गाना बोलते रहना, रास्ते में चलते वक्त, बस में बैठे, गाड़ी में, ट्रेन में ऐसे खड़े है, ए, ए, एक बार यहां से आता है, एक बार सामने से आता है, ए, 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 जब से प्यारा यीशु आया, बराबर, आप बोलेंगे ब्रदर क्या चल रहा है, अभी मैं देखता हूँ कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं बिना फैन मेरा प्रवचन सुनते हैं, उनको गर्म नहीं होता है, बाकी लोग ये क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या मैंने फैन निकाला क्या, मेरे पास फैन है तो मुझे गर्म नहीं करता, आपको कैसे गर्म होता है, ये देखो ये भाई कहाँ गर्म फैन हिलाता है, उसको नहीं गर्म होता आपको कैसे गर्म होता है, इसका कारण है उसका पूरा ध्यान मेरे प्रवचन पर है, आदत होनी चाहिए, कहां भी चलेंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, कोई सुने ना सुने अपने लिए अहंकार है,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुनिया का भंगार अंदर मत डालो, वो भंगार अंदर डालेंगे भंगार बाहर आएगा। कोई लोग मुंह खोलते तो पहला शब्द गाली होती है, गाली मारता है, अंदर भरी है ना गाली, वो अंदर से बाहर आती है, जंप हो जाती है, कुत्ती है। हालेलुया। वचन कहता है मसीह के वचन को अंदर भरो, पक्का भरो, और सुनो और पढ़ो, और सुनो और पढ़ो, वचन को अंदर भरो, गाना गाते रहो, एक दूसरे को मसीह के वचन को बताते रहो, तो क्या हो जाएगा, दुनिया के गंदगी से आप दूर रहेंगे, दुनिया के अपवित्रता से आप दूर रहेंगे। दुनिया की गंदगी, दुनिया की अपवित्रता, दुनिया का पाप अपराध जो है उससे हम दूर रहेंगे, हमारा जीवन सीधा रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, दिल के अंदर प्रभु के वचनों को भर देना है, दूसरों को वचनों को बोलना है, सिखाना है, और गाना बोलते रहना है। हालेलुया। जहाँ जाएंगे वहाँ गाना बोलो, हालेलुया 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 हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है, आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, विश्वास के साथ प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।